हमारे आज के अतिथि उत्तराखंड से पधारे हुए हैं, एमपी साहब। हमारे अतिथि नीरज जी शर्मा साहब फरीदाबाद से जो एमएलए है, हमारे प्रभारी हैं, और हमारे लोकप्रिय व लाडले राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब, हमारे जिला अध्यक्ष अक्षय जी त्रिपाठी साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हस्तिमल जी चौधरी साहब, प्रधान साहब कृष्णा सिंह जी, हमारे प्रधान उदयलाल जी फौजी साहब, और हमारे सबके लाडले प्रिय एपी बना, और जो है आपके नगर अध्यक्ष मधुसूदन जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शंभूलाल जी गुजर साहब, सम्मानित मंच, जिसको जिसकी इंतजार थी अपने रामलाल जी जाट साहब का, अब जो है मैं इनका मेरी विधानसभा में हार्दिक स्वागत करता हूं और इनका जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पधारे और सभी अतिथि आए। कहा कि ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा के चुनाव में मुझे जो है रामलाल जी की तरफ से बहुत फुल सपोर्ट मिला, टिकट इन्होंने दिलाया और पूरी जो है काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने जो है काफी हिम्मत बनाई और आप लोगों ने भी मुझे जोश खोश से आए दिन फोन ही फोन पे फोन, तो आप लोगों ने मुझे बहुत हौसला बढ़ाया, हिम्मत बधाई। और मैं इस मौके पर राहुल गांधी जी जो हमारे देश के नेता हैं और खड़गे साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है एक ही लाइन में कि नहीं यस सगा मिला, तो ये सब रामलाल जी की देन है। आज जो है आप पधारे और गांव में घूम रहे हैं तो लोगों की यही थी कि साहब कोई बड़ा नेता बुलाओ, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब को बुलाओ, सचिन पायलट साहब को बुलाओ, तो मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, तो मैं क्यों अपना मुख्यमंत्री तो रामलाल जी जाट साहब है, सब उपेलिया ने बुला ला, तो अशोक जी गहलोत की जरूरत पड़ी तो और बुलावा, और सचिन पायलट साहब को भी बेड़ी दो तो वह नहीं बुलाऊ। इसलिए मैं आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो है यही निवेदन करूं कि आप तो है 25 तारीख ने हाथ का निशान पर वोट दे मैंने जीता जो, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आई बात कह हमारी बात समाप्त हूं, धन्यवाद। ताली बजाकर आप सब लोगों ने साहब की बात की प्रमाणिकता जाहिर कर दी। अब मैं निवेदन करूं हमारे प्रभारी नीरज जी शर्मा साहब से।